हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन रियल इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, अगर आपको इन मेडिसिन में थोड़ा या ज़्यादा भी इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए इस तरह के कंटेंट में रेगुलर वीडियो लाते रहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने अश्विनी हेयरवेल वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। गाइस, वो ऑयल काफ़ी बढ़िया है, बट आप नॉलेज पर्पज़ के हिसाब से उस ऑयल को भी के बारे में जान सकते हो। इसके पहले मैंने 3-4 आयुर्वेदिक हेयर ऑयल के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, आपने अब तक अगर नहीं देखा है तो उसे नॉलेज पर्पज़ के हिसाब से ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर के वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मेरे पास में रखा है चिरायु आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाया गया चिरायु का हर्बल हेयर ऑयल, जो कि दोस्तों प्योर जड़ी बूटियों द्वारा इस ऑयल को बनाया गया है। तो सबसे पहले हम इस ऑयल के बारे में जानेंगे कि क्या कंटेंट्स और किन तत्वों को मिलाकर इस हेयर ऑयल को बनाया गया उसके बारे में। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इसमें आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, रतनजोत, कपूर और सुगंधित ऑयल, इन सभी कंटेंट्स को मिलाकर इस हेयर ऑयल को बनाया गया है। दोस्तों, यह प्योर हेयर आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है, इसे आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं जिस तरह आप बाकी हेयर ऑयल को यूज़ करते हैं, लेकिन पर ध्यान रहे आपको इसे किस तरीके से लगाना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आप जब भी इस ऑयल को यूज़ करें सबसे पहले अपने बालों को पूर्णतः शैम्पू से वॉश कर लें। उसके थोड़ी देर बाद बाल को हल्का सा सूखने देने के बाद में आप इस हेयर ऑयल को अपने बालों में पूर्णतः अच्छे से लगा लें। लगाने के पश्चात कम से कम 3 से 4 घंटे या मैक्सिमम अगर आप इसे नाइट में लगाते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप इस ऑयल को पूरी रात अपने बालों में लगाकर रख सकते हैं और फिर सुबह चाहे तो आप इसे शैम्पू से वॉश कर सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद। और ये प्योर आयुर्वेदिक है, तो जब भी आप इसका यूज़ करते हैं तो शायद आपको इसमें से एक हल्की सी गंध भी आ सकती है, तो जिससे आपको सरदर्द भी हो सकता है। अगर आप उस गंध को नहीं सह सकते तो इस ऑयल को या अन्य किसी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल को यूज़ ना करें, वरना आपकी छोटी समस्या थोड़ी बड़ी हो सकती है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जब आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। मतलब कुछ लोगों के होते हैं कि मतलब डिप्रेशन या सोचने की वजह से उनके बाल झड़ते हैं, बट ऐसा होता भी है। पर अगर आप नॉर्मली बाल झड़ रहे हैं तो आप इस हेयर ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद ये हो सकता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, आप अगर इस हेयर ऑयल के साथ में एक हेयर ब्लश टेबलेट का वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो का आप नॉलेज पर्पज़ के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको वो पसंद आता है तो उस टेबलेट को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर उस टेबलेट के साथ आप इस हेयर ऑयल का यूज़ करते हैं तो शायद आपको अच्छे रिजल्ट मिलने के चांस बढ़ सकते हैं, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, प्योर आयुर्वेदिक है तो आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं, आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ब्राह्मी, आंवला और भृंगराज इन नए कंटेंट्स को इसमें मिला गया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, आपको उसी तरीके से इस ऑयल को यूज़ करना है। अब इसके फ़ायदे की बात करें तो इसके ये आपके बालों को चमकदार बनाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, प्लस बालों को लंबा करने में और बालों की ग्रोथ बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है, प्लस रूसी जैसी समस्या या डेंड्रफ जैसी समस्या को दूर करने में भी काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल है। बट इसका यूज़ तो मैंने नहीं किया है, बट ये अच्छा ऑयल है, चिरायु कंपनी का है, एकदम आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है, तो आपको इससे निश्चिंत रहना चाहिए, बट आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।